हेलो डीयर स्टूडेंट्स वेलकम टू द वीडियो रिकॉर्डिंग सेशन ऑफ दिव्य ब्रह्म लोक ग्लोबल अकेडमी एंड आई एम योर साइंस टीचर वेद ही मैम सी आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड योर आंसर्स आप लोगों ने क्लास टेस्ट बहुत अच्छे से किया था सो नाव इट्स टाइम टू स्टार्ट विद्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर थ्री वॉट डू एनिमल्स ईट We will be discussing in general what are the types of animals based on eating habits or herbivores ke baare mein hum zyada detail mein padhenge. Now, this is chapter number 3, what do animals eat, which is on page number 24 of your textbook. You can see a variety of animals over here. Can you see the giraffe eating the leaves? सी दिस एलिफेंट इज ऑल्सो ईटिंग टाइगर भालू को देखो एक हाथ में मछली पकड़ी है एंड दूसरे हाथ में एक फ्रूट पकड़ा है कंफ्यूजन होता है ना कि आखिर भालू क्या खाता है सी वॉट इज मैंशन All animals need food to live. You know that animals are living things and they need food to live. Some animals eat plants. See, can you see here plant eating animals like elephant, giraffe, cow? Some eat other animals like tiger and lion. एंड प्ला है सो वट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स अलग अलग एनिमल्स क्या खाते हैं एंड वट आर देर बॉडी पार्ट विच हेल्प देम टू ईट दैट पर्टिकुलर फूड और उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे वी विल बी डिस्कसिंग वट आर हर्बीवोर कार्निवर एंड ओमनिवोर इन डिटेल उनके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं वो क्या खाते हैं क्यों उनको ऐसा नाम दिया जाता है सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है बट इससे पहले आप एक छोटा सा वीडियो देख लो In this video we are going to learn about the eating habits of the animals dear children as we all know that all living beings need variety of food to get energy to work and live animals cannot prepare their own food they depend upon plants and other animals Different animals have different eating habits, and on the basis of their eating habits, we can divide animals into three categories. The first category is herbivores, second is carnivores, and third is omnivores. Now, open your textbook, page number 25. सी जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया वैसा ही इसमें लिखा है दैट एनिमल्स लिव इन प्लेसेस वेयर दे कैन फाइंड फूड एंड वाटर सारे एनिमल्स ऐसी ही जगह पर रहते हैं जहाँ पर उनको खाना भी मिल जाए और पानी भी मिल जाए वाई बिकॉज फूड एंड वाटर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर लिविंग थिंग्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स यू विल फाइंड बटरफ्लाई अमॉन्ग फ्लावर्स एंड मंकीस ऑन ट्रीज देखा है ना आपने बटरफ्लाई कैसे फ्लावर के आस पास चक्कर लगाता है और मंकी एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है बटरफ्लाई सक नेक्टर वॉट इज नेक्टर नेक्टर इज अ स्वीट जूस इनसाइड द फ्लावर फ्लावर का रस होता है बटरफ्लाई सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड मंकीज ईट लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम ट्री एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो फूड का काम क्या होता है ग्रो करने के लिए टू अपटेन एनर्जी फॉर डूइंग वर्क इतना सारा काम करोगे तो खाना तो पड़ेगा ही टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड टू स्टे हेल्दी आपकी हेल्थ ठीक रखने के लिए भी फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट So, based on the type of food animals eat, they are divided into three categories. See, based on the kind of food they eat, animals can be classified into three groups. First one is herbivore, animals that eat only plants like cow and buffalo. Carnivores, animals that eat only other animals like tiger and lion omnivore animals that eat both plants and animals like cat and dog so we will be discussing about animals that feed only on plants in detail in this next clip now let's learn who are herbivores animals that eat grass leaves and other plant parts are called plant eating animals or herbivores the term herbivore is made up of herbi plus vorus where herbi means plant and vorus means eating the various examples of herbivores animals are cow goat

जिसमें से बहुत आपने देखे होंगे दे आर ऑल हर्बी वोर्स सच एनिमल्स हैल्प देम टू बाइट लीव एंड ग्रासेस उनके आगे के दाँत कैसे होते हैं मैं बताती हूं आपको ये देखो कितने वाइड टीथ है आगे के सभी एक साइज के बड़े बड़े सो दैट दे कैन च्यू द ग्रास नाइसली वेरी इजीली देर स्ट्रोंग बैक टीथ हेल्प देम टू च्यू लीव्स आगे के दांत बाइटिंग के लिए एंड पीछे के दांत च्यूइंग के लिए लार्ज हर्बीवोर सचेस काउ

पहले तो ये फटाफट घास खा के अपने पेट के एक पर्टिकुलर एरिया में डाल देते हैं देन द अनच्यूड फूड ये जो जल्दी जल्दी खाया हुआ फूड है वो फिर से उनके मुंह में बाहर की साइड आता है एंड आपने देखा होगा कि काऊ जो है वो पूरे टाइम कुछ ना कुछ चबाती रहती है एंड दिस प्रोसेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम बहुत देर तक चबाती है दिस इज नोन एज चूइंग द कड गाय भैंस बकरी जो बाद में देरी से आराम से जो खाना चबाती रहती है उसे क्या बोलते हैं चूंगट इज वेरी हार्ड सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक अ वाल Isn't it? This is a squirrel. Like you, a squirrel also eats walnut. Have you ever wondered how this small squirrel cracks the walnut to eat? A squirrel cracks a walnut with the help of its front teeth. Yes. A squirrel cracks the walnuts with the help of its front teeth. It has a very sharp pair of front teeth. Students, you must have seen a chisel. A chisel is very sharp, isn't it? We use the chisel to cut wood. The front teeth of a squirrel are also sharp like a chisel. With the help of these sharp teeth, a squirrel bites and cracks the walnut. After cracking the walnut, a squirrel chews it with its strong, flat back teeth. Then it swallows the walnut. The process of eating food by biting and chewing it with teeth is called gnawing. So, a squirrel is a gnawing animal. Like the squirrel, animals like a rat, a mole, and a rabbit also gnaw their food to eat. So, they are also gnawing animals. Now look at this. Smaller herbivores such as rabbits and squirrels have long and sharp front teeth that help them to bite their food into pieces. I will show you the picture. Just have a look at the long and sharp teeth. कैसे एकदम तीखे तेज दांत हैं दीज एनिमल्स बाइट देयर फूड रिपीटेडली आपने देखा ही होगा कि रैबिट और स्क्विरल बार बार मुंह चला के अपने फूड को बाइट करते रहते हैं एंड वॉट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस दिस इज नोन एज नोइंग द फूड ंग बोला जाता है बार बार रिपीटेडली अपने फूड को बाइट करना उस प्रोसेस को नोइंग बोला जाता है नोइंग दे हैव फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ मैंने आगे की क्लिप में बताया कि मुंह में पीछे की साइड के जो दांत होते हैं वो फ्लैट होते हैं जिसकी वजह से ग्राइंड मतलब कि एकदम थिक पाउडर लाइक पेस्ट जैसा बना सके टू स्मॉल पीसेस एंड फिर अपने मुंह में सलाईवा थूक के साथ मिक्स होकर पेस्ट बन जाता है नाउ सी ही काइंड ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स ऑप्टेन फूड फ्रॉम प्लांट आपने देखा ही होगा पैरट पैरेट्स ईट सीड्स एंड नट तो सीड भी प्लांट में से मिलता है नट में से भी प्लांट में से मिलता है एंड ये फ्रूट वो भी प्लांट में से मिलता है ईट सीड आपने देखा होगा ना कबूतर को डाने डालते हुए तो वट आर दे ईटिंग सीड और सीड इसमें से मिलता है प्लांट में से ग्रास ऑपर अभी इसका तो नाम ही ग्रास पर से पड़ा है वाई बिकॉज इट ईट्स टेंडर ग्रास ग्रास ऑपर फीड ऑन टेंडर लीव एंड बटरफ्लाई बटरफ्लाईज फीड ऑन नेक्टर ये सारे एनिमल्स क्या है दीज आर ऑल हर्बीवोर्स मजा आया ना ये पढ़ के